वो कांग्रेस राम के विषय में बोल रही है जो 2007 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके बताती है कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम एक कल्पना है। भाई साहब, अगर आप बोलते हैं कि राम सबके हैं, तो फिर जो वकील आपने खड़ा किया था, राम उनके हैं, जनता माफ नहीं करेगी। यदि योगी जी, मोदी जी बीजेपी का श्रेय दे रही है रामलला का, तो आप क्यों नहीं बताएगा श्रेय लेते जाके? आप वहाँ चले जाइए, वहाँ श्रेय लिए जाके राहुल गांधी को भेजिए, सोनिया गांधी को भेजिए, राहुल गांधी को भेजिए, पूरे सारे नेता को भेजिए, सारे एनडी गठबंधन को भेजिए। धरती पर किसी की हैसियत नहीं है कि अयोध्या पर या राम पर कोई टिप्पणी कर सकता हो, क्योंकि राम सारे संसार के सार हैं, तत्व हैं। तो राम जन्मभूमि पर मैं जेल में यहाँ सवा महीना यहाँ फैजाबाद में था, मुझे आज इतना हर्ष हो रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ ये जो माहौल देख रहे हो, ये मेरे राम का है, न किसी व्यक्ति का, किसी पार्टी का, किसी का धरोहर नहीं है। तो आज के इस वीडियो में ऑडियंस ने कांग्रेस के प्रवक्ता को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास पर कह रहे थे कि मोदी जी तो बस उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर कांग्रेस का ही देन है। तो इसी बात पर ऑडियंस ने इसे डिबेट में अच्छे से धोया है। और कांग्रेस के प्रवक्ता के पास ऑडियंस से पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं था, क्योंकि ये बोल तो रहे थे कि मंदिर कांग्रेस बनवाए, लेकिन क्योंकि जब पब्लिक के द्वारा इसको बोला गया कि आपने मंदिर बनाया नहीं, मंदिर बनाने में 100 विघ्न डाले हैं, तो इस पर और कांग्रेस के प्रवक्ता भड़क गया, लेकिन ऑडियंस सामने से कुछ भी नहीं चला। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए आगे। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे पैदा हुआ, ये मेरा सौभाग्य है, पता नहीं किस जन्म का मेरा पुण्य है कि मैं जहाँ श्री राम जी पैदा हुए वहाँ मेरा भी जन्म हुआ। पहले तो मैं बोलता हूँ जय श्री राम, रोम रोम भाइयों। अब मैं कांग्रेस के भाई साहब से एक सवाल करूंगा कि वो कांग्रेस राम के विषय में बोल रही है जो 2007 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके बताती है कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, धिक्कार है हम कि राम एक कल्पना है, राम एक कल्पना है। भारतीय जनता पार्टी अगर अगर प्रोपेगेंडा मशीन भाई साहब, भाई साहब प्रचार है, जनता को भी नहीं बोलने देंगे, जनता के बीच में भी आदमी बात भी ना करे अगर कांग्रेस में हो तो। भाई साहब, अगर आप बोलते हैं कि राम सबके हैं, तो फिर जो वकील आपने खड़ा किया था, राम उनके हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या राम उनके हैं? अगर राम उनके हैं तो राम के खिलाफ वो मेरे भाई, आप राम से क्या सीखते हैं? मैं राम जिस समय कर्तव्य पथ पर जो कोई आवश्यकता होगी उस पर जवाब देगा, नहीं लड़ना नहीं है, सवालों के जवाब देने, थोड़ा तो धैर्य रखिए। भारतीय जनता पार्टी मुझे राम के चरित्र का पाठ पढ़ा रहे थे, थोड़ा सा चरित्र अपने अंदर ले आइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। दूसरे इंटरेस्ट में वो होता है, क्या सवाल है, कैसी बात? रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। वकील जब कोर्ट जाए बहस होता है, अब सवाल है विनोद जी, जनता वैल्यूबल है कि नहीं है, ले लूं सवाल? यदि योगी जी, मोदी जी बीजेपी का श्रेय दे रही है रामलला का, तो आप क्यों नहीं बताएगा श्रेय लेते जाके? आप वहाँ चले जाइए, वहाँ श्रेय लिए जाके, अरे राहुल गांधी को भेजिए, सोनिया गांधी को भेजिए, राहुल गांधी को भेजिए, पूरे सारे नेता को भेजिए, सारे एनडी गठबंधन को भेजिए, अरे पूरी पार्टी हम आप श्रेय लीजिए, हम लोग तो सुन तो लीजिए पहले, आप पहले क्यों लड़ने लग जाते हो? रुक जाइए विनोद जी, अगर सर मोदी ने योगी ने श्रेय ले लिया अयोध्या का, तो सर आप वहाँ का श्रेय लीजिए ना, आपके रोजगार की बात करना गुनाह है। देखिए विनोद जी आप अगर जनता से लड़ेंगे और आप यहाँ जनता के सवालों पर प्रश्न खड़े करेंगे, तो फिर सर अब आप हम लोगों पर सवाल खड़े करते हैं, वो तो आप लोगों की आदत है, कम से कम भोले भाले लोगों को तो छोड़ दीजिए जो राम भक्ति में डूबे हुए हैं। हाँ बताइए। मैं केवल ये कहूंगा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, घर घर हम भगवा फिर फहराएंगे, घर घर मोदी हर हर मोदी, घर घर योगी हर हर योगी। नहीं, कैसा लग रहा है आपको, अयोध्या बदली भी लग रही है बाबा कि नहीं लग रही है? क्या अयोध्या कैसी लग रही है? देखिए अयोध्या पर कोई टिप्पणी कोई कर नहीं सकता है, धरती पर किसी की हैसियत नहीं है कि अयोध्या पर या राम पर कोई टिप्पणी कर सकता हो, क्योंकि राम सारे संसार के सार हैं, तत्व हैं। सार मतलब जानते हो, सारा संसार जो आपको दिखाई दे रहा है वो मेरे राम का सार है, तत्व है। राम पर कोई टिप्पणी नहीं है। रही राम जन्मभूमि पर की बात आप कर रहे हो, तो राम जन्मभूमि पर मैं जेल में यहाँ सवा महीना यहाँ फैजाबाद में था, मुझे आज इतना हर्ष हो रहा है, इतना गर्व हो रहा है, जिसका कोई जवाब नहीं है। रुक गया।
फर्जी बात। देखिए यहाँ यहाँ आज यहाँ ये जो माहौल देख रहे हो ये मेरे राम का है, न किसी व्यक्तिगत किसी पार्टी का किसी का धरोहर नहीं है। अभी जो अयोध्या नगरी है जिस जगह पर पहले कभी राम टेंट में थे आज वो भव्य राम मंदिर में है, कैसा अनुभव है आप लोगों का? अरे आनंद आ रहा, राम राज बैठे चरणों का, हर्षित भये गए सब शो का, बयरुनाग काउसन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि इनने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर ना बनने के लिए कितने वकील लगाए थे? कैसा लग रहा है आपको कि अब वो रामलला जहां पर कभी गोलियां चला करती थी आज वह वैदिक मंत्रोच्चार हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, इतना अच्छा लग रहा है कि आपसे मैं क्या बताऊं। आपको गीत के माध्यम से एक बात सुनाना चाहता हूं। झुक के अदब से ऐतराम करती है, आज भारत को दुनिया सलाम करती है। ये मोदी जी की देन है कि आज कहीं भी हिंदुस्तानी है तो गर्व से रह रहा है। और बात तो सही है। और सवाल ले लेती हूँ फिर विनोद जी और अवनीश जी आप दोनों के पास आऊंगी। कैसा लग रहा है, ये कैसा अनुभव है? ये जीवन का सबसे अभूतपूर्व अनुभव है, जब से हम लोग पैदा हुए हैं ये अनुभव कभी नहीं प्राप्त हुआ जीवन में, जो अब प्राप्त हो रहा है। हम लोग बचपन से यहीं पले बड़े हैं, हम तो अयोध्या के हैं, हमने अयोध्या में जहां आप खड़े हैं यहां से हमने गंदगी आती थी, बदबू आती थी, और अभी हमारे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो बहुत कम टाइम में हुआ उनको आए हुए। देखिए यहाँ पर खुशी है, आप तो खुशी जाहिर नहीं कर पा रहे, बता भी नहीं पा रहे कि गर्वान्वित है कि नहीं है। आप जनता की बात का जवाब दे दीजिए। ये गलत है, राम के भक्तों में कम से कम भेद पार्टी देख के तो मत करिए। आप जैसा जिम्मेदार चैनल तो उसको एक रूप ना भेद नहीं कर रहे। भेद जो सबने सुना पार्टी कोई सत्ता आएगी जाएगी। आस्था धर्म बहुत व्यक्तिगत मसला है, ठीक है, ये सार्वजनिक कर रहे हैं, इनको राजनीतिक लाभ ले। राहुल गांधी को मना करिए मंदिर क्यों जाते हैं। अभी पिछले 15 तारीख को हम हजारों लोग यात्रा से उत्तर प्रदेश कांग्रेस की पूरी टीम सरयू मैया में हमने आस्था का विषय है। एक मिनट ना, धार्मिक आस्था का विषय है तो क्यों यूपी कांग्रेस आती है सरयू में डुबकी लगाती है और फिर रामलला के दर्शन करती है? क्या आपत्ति है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का कुछ करेगी? आपने कहा कि धार्मिक व्यक्तिगत विषय है, इसीलिए सवाल कर रही हूं। व्यक्तिगत विषय है बिल्कुल, हम जाएंगे ना मंदिर अपने इष्ट को मानने और पूजा करने की भारतीय जनता पार्टी ट्विटर पर पोस्ट भी करेंगे। चलिए जवाब दीजिए, जाएंगे और ट्विटर पर पोस्ट भी करेंगे। राम मंदिर बनाने के लिए ये लोग कुछ भी नहीं किए, लेकिन राम मंदिर का जब बन गया और शिलान्यास होने लगा था तो ये लोग क्रेडिट लेने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ते। किसी तरह चाहते कि हिंदुओं का वोट इन्हें मिल जाए, लेकिन हिंदुओं के लिए लोग कुछ भी करते नहीं। बस इन लोगों का यही सोच रहता है कि हिंदू किसी तरह वोट दे दे, उसके बाद जब ये चुनाव में जीत जाते हैं तो हिंदुओं का को जितना अपमान करना होता है सारा कर देते हैं। और इसके नेता भी हर मंदिर में मंदिर जाते हैं, लेकिन जब राम मंदिर इन लोगों को बनाना चाहिए था तब आराम से घर में सोए हुए थे, मंदिर का ख्याल भी नहीं आता था कभी। और अब जब जी मंदिर बनवा है तो इन लोगों को मिर्ची लगता है, यही मिर्ची कांग्रेस को बर्बाद कर देगा। खैर आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता है बहुत जल्द किसी और वीडियो में।